कौन मैं? पर ये सवाल तो दरवाजा खोलने वाला करता है ने? बेल बजाने वाला नहीं बाबूजी। हाँ वो तो ठीक है बेटा, पर ध्यान नहीं आ रहा कि हम पहले कभी मिले। ये घर आपको इतने अच्छे से जानता है कि मेरी क्या मजाल कि मैं आपको नहीं जानूं? अंदर आइए ना बाबूजी। अरे बेटा कहीं तुम पीपी की बहू तो नहीं है? जी बाबूजी। जीते रहो, खुश रहो। आइए ना अंदर। ओ नवीन और तेरी बेटी ईशा वो कब आएंगे? आ जाएंगे हफ्ते 10 दिन में। ओ अच्छा अच्छा, और ये पीपी क्या कर रहा है? काका जी ना रहे। ओ तेजी बहन चलती कड़ के लिए निकले कि नहीं? हाँ 2 घंटे हो गए। और जो बीजी को वो सिर में दुखने की प्रॉब्लम रहती थी? अच्छा अच्छा, नहीं बेटा अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पैर में भी तो मोच आई थी ना? आपने फिर से अनाज की बोरी तो नहीं उठाई ना बाबूजी? नहीं नहीं भाई, मैंने कानों को हाथ लगा लिया। समझ गई, काका जी से बहुत डांट पड़ी थी है ना? और जो वो सेम का होटल मैनेजमेंट पूरा हो गया? हाँ हो गया। एक बार बता पुत्र, तुझे हमारे बारे में इतना कैसे मालूम है? एक वर्ष काका जी जो पालमपुर में रहे ने, तो उनके पास आपके बारे में बात करने के बगैर और कोई टॉपिक ही नहीं था। पर एक बात बता मुझे, ये पीपी यहाँ वापस क्यों आया? अरे सरदार, तू भी बार बार पूछता है कि पीपी पालनपुर छोड़ के क्यों आ गया? पालनपुर की जो भैंसे है ना, वो भी दिल से दूध नहीं देती है, क्योंकि उनका हरा भरा घास का जो मैदान था ना, वो बिल्डिंग वालों ने हड़प लिया है। और अभी जो भी मैदान बाकी है ना हरे घास का, अगर जोरदार वो वर्षा दो बारिश हुई ना, तो उसका रंग निकल जाता है। बाबूजी आप खाना खा के जाओगे ने? मैं आपके पसंद की वो माँ चने की दाल और मीसी रोटी बनाती हूँ। अरे तुझे बनानी आती है? काका जी ने पालमपुर पहुँचते ही ने सबसे पहले मेरे को पंजाबी फूड का कोर्स कराया। बेटा क्या है, मैं तो पंजाबी खाना रोज खाता हूँ, मैं तो तेरे हाथ का बना गुजराती खाना खाऊंगा एक दिन। एक दिन क्यों, कल ही बनाती हूँ ने। तो पक्का बाबू जी, कल आप मेरे हाथ का गुजराती खाना खाने आ रहे हो? हाँ। अरे यार तू रोज क्यों नहीं आता? क्योंकि मेरे को भी इस बहाने से अच्छा खाना खाने को मिलेगा। क्या बात कर रहा है? नमस्ते जी, मैं राजेंद्र सिंह, सन ऑफ प्रीतम सिंह, हस्बैंड ऑफ मधु सिंह। इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है आजकल मेरी सूरत विलन जैसी लगती है, तो जो लोग मुझ पर भरोसा करते थे उन्हें आज मुझ पर विश्वास नहीं रहा। पापा, हाय पापा। How are you? I'm fine, sweetie. How are you? I'm fine. आप कहाँ पे थे इतने दिन? I'm so sorry. It's okay, पापा. अंदर आओ राज। Thanks. मुझे तो लगा था आज तुम्हारी मम्मी मुझे घर के बाहर खड़ा करके बात करेगी। So, how is my sweetie pie? I'm fine, Baba. और मधु, क्या बात है? तुम ठीक नहीं लग रही हो। मैं ठीक हूँ। Yes, Papa, you're right. मैं भी मम्मी को कब से बोल रही हूँ। She's not well, but she never listens to me, Papa. Tina, टेबल पर आपके सैंडविचेस रखे हैं। Please go and have them. Okay. क्या बात है मधु? सचमुच तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा है। तुम्हारे वो सब बर्ताव के बाद तुम मेरा खिला हुआ चेहरा देखने की उम्मीद करते हो? मधु मधु मेरी जान, अभी तक गुस्सा मुझे। सड़क के भिखारी की तरफ पीठ दिखाकर जैसे अवॉइड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अवॉइड कर रहे थे तुम। क्यों, गुरनाम ने मैसेज नहीं दिया तुम्हें? मैं तुम्हारे फोन पर तुमसे बात करने के लिए फोन करती हूँ, गुरनाम से नहीं। और मुझे कतई अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारे फोन पर गुरनाम ने मेरे फोन का जवाब दिया। अच्छा बाबा, आइंदा गुरनाम फोन नहीं उठाएगा, ठीक है? आई एम सॉरी, मेरी कुछ परेशानियों की वजह से मैं तुम्हें जो परेशान कर बैठा वो सब ठीक करके ही यहाँ से जाऊँगा बस। यानी तुम उन सब पेपर्स पर, हमारे मैरिज की कोर्ट एप्लीकेशन और टीना के नाम होटल ट्रांसफर के पेपर्स पर साइन कर दोगे ना? आओ समझाता हूँ, आओ बैठो, बैठो ना। मधु, मैं उन पेपर्स पर साइन नहीं करूँगा, और वो इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा आदमी आकर मुझे सिखाए कि मुझे अपने रिश्ते कैसे निभाने हैं। राज, मैं सिर्फ इतना चाहती थी तुम्हें अब कुछ चाहने की जरूरत नहीं है, तुम
तुम्हारे और टीना के लिए मैं खुद कुछ करने वाला हूँ और वही सब डिस्कस और तय करने के लिए आज रात में यहीं रुकूंगा। बाऊजी, जिंदर बोल रहा हूँ। हाँ जिंद पुत्र बोल। जी बाऊजी, आज रात में एम्स्टरडैम जा रहा हूँ, वहाँ एक रेस्टोरेंट है सेल पर। तू रेस्टोरेंट खरीदना चाहता है? नहीं नहीं बाऊजी, सिर्फ देख कर ही आऊंगा। अच्छा फिर रात को डिनर पे मिलते हैं। आज रात वहीं रुकूंगा, कल वापस आ जाऊंगा। अच्छा पुत्र, पर अपना ख्याल रखना। ओके अच्छा। हेलो हेलो रोहन। मम्मी देखने के लिए फोन किया कि तुम घर पहुंचे कि नहीं। आंटी आज इंडिया के लिए रवाना हो गई ना, शादी तय करने के लिए। हाँ रोहन, और ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। मैंने तो देव को भूलना ही शुरू कर दिया था और देव ने मुझे, पर ना जाने तुमने कैसी जादू की छड़ी घुमाई कि आज मम्मी मेरा रिश्ता लेकर देव के पेरेंट्स से मिलने निकली हैं। पर रोहन, मुझे अपनी इस खुशी में जो नागवार गुजरा वो तुम्हारा दुख है। अरे मेरा स्टेशन तो बहुत पहले निकल गया था और मैं कितनी दूर विदाउट टिकट निकल आया था। ये तो अच्छा हुआ मैडम कि वक्त पर उतर गया, वरना बहुत भारी जुर्माना देना पड़ता। खैर मेरा जुर्माना बच गया और तुम्हारा दिल टूटने से। देव से मेरी बात हुई, उसका फोन आया तुम्हें? हाँ आया था। तुमने क्या कहा देव से? डॉक्टर मल्होत्रा की हैसियत से उसे बताया कि उस रोहन की समझ में देव और पम्मी का प्यार आ गया तो खुद अपने आप पीछे हट गया। रोहन, पम्मी और देव में मैं सबसे ज्यादा इज्जत रोहन की करती हूँ। रोहन के लिए मेरे दिल में वही आस्था है जो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त दिल में भगवान के लिए होती है। तुमसे तो अपनी तारीफ सुनी नहीं जाती। अच्छा रोहन, ये बताओ आजकल तुम्हारे डिनर का क्या हो रहा है? तुमने डिनर किया क्या? हाँ, शाम को कुछ सैंडविचेस खा लिए थे, पर अभी भूख नहीं है। रोहन, कल से तुम्हारा डिनर मैं भेजूंगी। चलेगा पम्मी। शट अप रोहन, तुमने ही ठेका लिया हुआ है क्या कि तुम ही औरों के लिए सब कुछ करोगे? वो और भी हैं जो तुम्हारे लिए भी कुछ करना चाहते हैं और करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। प्रीत, तू कब उठी? पहले लव से आखिरी अल्फाज तक मैंने तेरी सारी बातें सुन ली। इसका मतलब है पम्मी, तूने मुझे अब तक जो कुछ भी कहा वो झूठ था ना? I'm sorry प्रीत, I'm really very sorry। मैं तुझे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर रोहन ने मुझे कसम दी थी। I'm sorry प्रीत। पम्मी, तूने मुझे झूठ बोला इस बात का रत्ती भर भी दुख नहीं है मुझे। जितना मेरी समझ में आ रहा है उससे तेरा झूठ बोलना बनता है। प्रीत, प्लीज प्रॉमिस मी, तू ये बात किसी को नहीं बताएगी, प्लीज। एक शर्त पे। क्या? तुझे मेरे चंद सवालों के जवाब देने होंगे। कैसे सवाल? एक बात बता, ये देव क्या बला है? वो जब मैं चंडीगढ़ गई थी सिमरन की शादी में, वहां मिली उससे, प्यार कर बैठी मैं देव से। अब समझी, रोहन को पता चला कि तू देव से प्यार कर बैठी है, इसलिए उसने अपने प्यार की बलि चढ़ा दी है ना? पम्मी, कुछ दिनों पहले मेरी जिंदगी में विक्रमजीत नाम का शख्स आया था। इंसानियत पर जो भी बचा खुचा यकीन था वो पूरी तरह से मिट गया पम्मी, पूरी तरह से। पर सच कहती हूँ, आज जब रोहन के बारे में पता चला मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में। लकी यू या आई नो प्रीत, मेरी जिंदगी में कुल मिलाकर जो रह गया है वो है मेरी प्यारी सी दोस्त पम्मी और इस घर का अपनापन। प्रीत, ऑलवेज बी विद यू, ऑलवेज। ये आधी रात को तू कैसी इमोशनल बातें लेकर बैठ गई? हाँ चल सोते हैं। चल। हेलो,
अब भी नाराज हो मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिन भर और कुछ हुआ हो ना हो, पर तुम्हें बातें बनाना तो जरूर आ गया है। नहीं, सच कह रहा हूँ अनु, यकीन करो। कुछ बातों पर यकीन करने से मन घबराता है। कौन सी बातें? जिन बातों को सुनकर बहुत खुशी होती है। अगर ऐसा है तो इस तरह की बातें मैं अक्सर किया करूंगा। अब देखो ना देव, तुम भी खुश और तुम्हारी इन बातों से मैं भी खुश, यही तो असल खुशी है। उंगली में अंगूठी पहन लेना सिर्फ तरीका थोड़ी है खुश होने का। हमारे बीच एक ताल्लुक बना रहे, एक बेनाम रिश्ता बना रहे, काफी है मेरी खुशी के लिए, है ना देव? सच कह रही हूँ। आज से हम एक दूसरे से जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा और कुछ नहीं कहेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू, बाय देव। बाय। हाय भाभी। हाय। क्या हुआ भाभी, आप मुझे देखकर एकदम ऑकवर्ड क्यों फील कर रही हो? ऐसी बात नहीं है अनु, मैं तुम्हें देख के क्यों ऑकवर्ड फील? मुझे देखकर नहीं, मुझे खुश देखकर आपको अजीब लग रहा है। अब अगर मैं रोती बिलकती आंसू बहाती रहती तो तुम लोगों को नॉर्मल लगती। नहीं अनु, ऐसा नहीं है, मैं तो तुझे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। तो फिर उस लड़की के बारे में पता किया आपने? किस लड़की के बारे में? आपको इतना भी याद नहीं है भाभी, और आप दावा करती हो कि आप मुझे हमेशा खुश देखना चाहती हो। अब तो मेरी हर खुशी का ताल्लुक उस लड़की के आंसुओं से हो गया है। तुम्हारी जितनी बात मेरी समझ में आ रही है उससे तो मुझे यही लग रहा है कि तुम गलत हो। वो लड़की चाहे जो भी हो, अब क्या लेना देना है उससे? क्या मिल जाएगा ये जान के कि वो कौन है? क्या मिल जाएगा? भाभी, आज मैं जाकर देव से मिली थी और अभी मेरी उससे फिर बात हुई। हाँ तो? मैं जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। क्या चाहती हो तुम? देव अब लाख कोशिश कर ले पर अब वो मुझे नहीं भूल पाएगा। लेकिन तुम्हें इन सबसे क्या हासिल हो जाएगा? मुझे इससे देव, देव हासिल हो जाएगा। आप नहीं समझोगी भाभी, क्योंकि ये प्यार के सीधे नहीं टेढ़े रास्ते हैं, सिक्सैक रोड्स। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।